शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लो, अब तो 10 मिनट भी हो गए और कितना टाइम लगेगा नैना की बहू को। लीजिए, आ गए हमारी बहू रानी। तुम भी तो नई नवेली दुल्हन हो और तुम्हारी भी मुंह दिखाई की रस्म बाकी है। चलो बैठो, तुम्हारी भी मुंह दिखाई करते हैं। बहन जी, काहे इस पछड़े में पड़ रही है, जब तनु भाभी को ये रस्म करनी ही नहीं है। रहने दीजिए, उसकी सास को नहीं करनी है मुंह दिखाई तो ना करे। भाई, हम तो मुंह दिखाई करे बिना नहीं जाने वाले, और हाँ, बहू को शगुन देकर ही जाएंगे। चलो बैठो बेटा। श्रद्धा बेटा, बैठ जाओ। तनुजा के तो भागी खुल गए, इतनी अच्छी बहू पाकर। थैंक यू आंटी, अभी मैं चलती हूं। खुश रहो। अभी की तो किस्मत ही खुल गई जो उसको ऐसी बीवी मिली है, वरना वो कुछ काम धाम तो करता नहीं। अब भला ऐसे लड़के को कोई इतनी अच्छी लड़की क्यों देगा? पता नहीं ऐसी हीरे जैसी बहू को क्यों छुपा कर रखना चाहती है तनुजा। अरे श्रद्धा की मुंह दिखाई की रस्म से तो माहौल में रौनक आ गई। सही बात है। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं। हम जा रहे अपने कमरे में, थक गए। लीजिए, ये तो शादी के बाद बीवी की पूछ बन गया। जो दिखा वही हमने कहा, अब ऐसे क्या देख रही है हमें। अब नैना आंटी, मैं भी अब चलती हूँ। वो मम्मी पापा के घर जाना है पग फेरे की रस्म के लिए, जाती हूँ नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब क्या कर सकते हैं भाभी, जब आपकी किस्मत में ये श्रद्धा जैसी बहू नहीं कीर्ति जैसी बहू लिखी है, न जाने आपको कौन से पाप की सजा मिली है। हमारा ये मतलब था कि आप कमर कस लीजिए भाभी, और इस कीर्ति को जरा काबू में रखिए, वरना आज जो हुआ उसकी आदत डाल दीजिए। देखिए, हमें तो आपकी बहुत चिंता हो रही है, बाकी आ गया आपकी मर्जी। अगर मुंह दिखाई का तुम्हें इतना ही शौक था तो बता दिया होता हमें। नीचे सबके सामने हमारी जगहसाई करने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, वो पहले ही दिन तुमने सास की दो बातें एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। इसी के लिए तुम भाग के नीचे गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो कीर्ति को मेरी जरूरत थी तो। जरूरत
तुम्हारी बहन को थी या तुम्हें? सबके सामने अपने नंबर बढ़ाने की। वैसे भी घर वालों को तो तुमने मंत्रमुग्ध कर ही दिया है, अब तो बस बाहर वाले बचे हैं ना। मुझे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादा तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं तुम्हारा, पहले भी कहे अब दोहरा रहे। नीचे और ऊपर दो अलग घर हैं और तुम्हारी सास हम हैं और यही तुम्हारा परिवार है। अब इस बात को तुम समझ लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। पग फेरे के लिए तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे और ये शक्ल देख के यही सोचेंगे कि हम तुम्हें कितना दुख दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि तुम अपनी सास की लाज रखोगी। श्रद्धा जरा बिस्किट देना। सारे ले लेती हूँ। नैना जी, ये कीर्ति के लिए। हड़बड़ी में उसे विदा किया तो कुछ दे नहीं पाए। ठीक है यशवी जी। पापा कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वरुण जी चलिए। हाँ। क्या हुआ बेटा, कहीं जा रहे हैं? पग फेरे की रस्म नहीं करनी? अरे मम्मी हम बताना ही भूल गए, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, वरुण जी हमें वहीं से घर छोड़ देंगे। बाकियों से काफी अलग है आपकी बेटी कीर्ति। हमारा मतलब है कि कौन सी लड़की अपनी मुंह दिखाई की रस्म में लेट उठकर सास को उल्टे जवाब देती है। हमारा मतलब है कि कीर्ति अभी बच्ची है और ये सारी हरकतें हमें बहुत क्यूट लगती है। आपकी तरह हमें भी धीरे धीरे आदत डालनी होगी इन सब चीजों की। बेटा ये अचानक क्या हुआ? पग फेरे के दिन शॉपिंग पे जाना जरूरी है? ओ मम्मी जी, एक्चुअली क्या है कि हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि कुछ ले ही नहीं पाए, इसलिए सोच रहे थे कुछ जरूरत का सामान और कपड़ों की शॉपिंग कर ले। और जो हमने वरुण की बहू के लिए कपड़े लिए हैं उसका क्या? और यशवी जी भी तो लाई हैं कपड़े। वो मम्मी हमारे जो कपड़े हैं वो तो श्रद्धा के लिए लिए थे ना। अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। वरुण तुम ये कपड़े कीर्ति को देना, श्रद्धा के लिए हम नए कपड़े ले लेंगे। नहीं अनुज, श्रद्धा और कीर्ति दोनों ही हमारे लिए एक जैसी हैं, दोनों के लिए कपड़े ले लेंगे। अच्छा मम्मी हम चलते हैं, शॉपिंग के बाद ना डायरेक्टली घर पे आ जाएंगे, ठीक है? चलिए चलो। खाना ठंडा हो रहा है भाई साहब, चलिए। अरे नहीं भाई साहब, खाना नहीं खाएंगे। कहीं आप अपनी बेटी के ससुराल में पानी पीने से हिचक तो नहीं रहे? अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग घर से खाना खा कर आए थे, सोचा जल्दी से जाकर बेटियों को ले आते हैं। कोई बात नहीं, मीठा तो खा ही सकते हैं। श्रद्धा बिटिया ने खीर बनाई है। बेटा खीर लिया। सच भाई साहब, बहुत ही संस्कारी बेटी है आपकी। थोड़ी सी खीर खा लीजिए। बोला ना नहीं खानी है मुझे। जबरदस्ती मुझे खीर खिलाने पे क्यों तुली है? सब खा रहे थे तो मैंने सोचा। मत सोचो और हमारे बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को
सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।